हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूँ रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूँ ट्रिगोनोमेट्री पे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो वो है हाउ टू पुट वैल्यू इन ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग कैसे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स एंगल क्या होना चाहिए। पूरा तो सॉल्व करने का तो टाइम रहता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं ना कि कौन सा वैल्यू या कौन सा एंगल रखें ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए और हमारा ऑप्शन मैच कर जाए। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू हम लोग को लेना है। ठीक है, आज का जो हमारा ये है लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 8 देख चुके हैं और आज का लेक्चर नंबर 9 है। जो लोग भी लेक्चर नंबर 9 देख रहे हो तो उससे पहले, लेक्चर नंबर 9 देखने से पहले आप लोग 1, 2, 8 देख लेना। ठीक है, उसके बाद 9 पे आना, तभी आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज के लेक्चर में है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी 2-3 टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग टाइप वाइज आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बताएंगे वो टाइप 1 के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कि टाइप 1 में किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है या किस पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन है 2 sin² β + 4 cos α + β (sin α) (cos 2) (α + β) ये क्या होगा? देखो क्वेश्चन समझ जाना। 2 sin² β + 4 cos α + β (sin α × sin β + cos 2 × α + β) ऑप्शन में आप लोग को गिवन है sin 2α, sin 2β, cos 2α और cos 2β। ये आप लोग को 4 ऑप्शन गिवन है, याद रखना। अगर हम लोग अल्फा, यहाँ 2-2 आप लोग को वेरिएबल गिवन है, बीटा भी है और अल्फा भी है, तो याद रखना हम लोग मैक्सिमम एंगल एक ही पुट करते हैं। ये नहीं कि अल्फा भी पुट कर लिया और बीटा भी वैल्यू पुट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को कोई एक एंगल पुट करना है। ठीक है, और ऑप्शन जो आप लोग को गिवन है इसमें अल्फा और बीटा दोनों गिवन है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है तो वो आप लोग समझ जाना कि कोई एक एंगल, वन एंगल, ठीक है, वन एंगल आप लोग को लेना है। और वो एंगल कौन सा होगा तो वो होगा कि जो मैक्स टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग काउंट कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दो एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो बीटा और अल्फा को काउंट करो तो देखो यहाँ पे बीटा एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। और कंडीशन क्या बोले हैं कि जो मैक्स टाइम जो एंगल आया है उसको हम लोग को मानना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीटा ले लेते हैं। ठीक है, और बीटा का वैल्यू जनरली हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, अगर बीटा का वैल्यू आप लोग 0 मानते हो तो ये देखो साइन 0 क्या होता है, ये देखो अगर हम लोग बीटा बराबर अगर 0 लेते हैं तो sin²0°, sin 0 0 होता है, मीन्स ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है वो आप देखना। यहाँ पे देखो याद रखना यहाँ पे इनटू है 4 cos α + β (sin α × sin β) है। ठीक है, और बीटा का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो sin β यानी sin 0 यानी 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू तो 0 हो गया। अब ये मेरा एंगल कहाँ पे बच रहा है तो यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे अल्फा नहीं, हम लोग बीटा को 0 रखे, अगर इस बीटा को अगर 0 करते हैं तो मेरा ऑप्शन क्या आता है तो वो आ जाएगा आपका 2α, मीन्स cos 2α, यानी मीन्स ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना इजिली सॉल्व हो रहा है। आपको एंगल इस तरीके से लेना है ताकि जो भी जितना भी बड़ा क्वेश्चन जो देखने में लगता है ना वो शॉर्ट हो सके। ठीक है, तो हम लोग जनरली 0 से ही काउंट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एंगल 0 डिग्री होता है, 30, 45, 60, 90 इतना का वैल्यू तो हम लोग
जानते ही हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा वैल्यू इमेजिन करना जिसका वैल्यू आप लोग निकाल सको, जानो, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन लंबा हो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कितना शॉर्ट में आप लोग सॉल्व कर रहे हो वो मायने रखता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर टाइप वन में इसी तरीके का हम दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ कि किस तरीके से आप लोग को एंगल लेना है, ठीक है। देखो यहाँ अल्फा और बीटा दोनों है, ऑप्शन में भी अल्फा और बीटा दोनों है, तो हम लोग को क्या प्रेडिक्ट करना है, वैसा एंगल लेना है ना जो मैक्स टाइम आया हुआ है। तो हम लोग अल्फा और बीटा यहाँ पे काउंट कर लिए, ठीक है। और बीटा देखे तो बीटा 4 टाइम्स आया है और अल्फा 3 टाइम आया है, तो हम लोग बीटा को बीटा एंगल ले लिया और बीटा को क्या किया कि 0 डिग्री मान लिया, ठीक है। अब 0 जैसे ही माने तो देखो मेरा कितना ज्यादा शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया कि आप लोग को 2 अल्फा। हो सकता है कि अल्फा का अगर वैल्यू भी काउंट कर रहा हो तो यहाँ पे एंगल लेके हम लोग अल्फा का वैल्यू भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में हम लोग को साइन अल्फा और साइन बीटा के टर्म में ही दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉस 2 अल्फा, ठीक है। देखो जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपने मन से नहीं ले रही हूँ, कोई बुक से नहीं उठा रही, ये सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 cos a - b इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लो। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 cos a - b इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। याद रखना यहाँ पे भी दो वेरिएबल आप लोग को दिख रहा है, दो एंगल दिख रहा है, ए और बी, ठीक है। आप लोग ऑप्शन यहाँ पे साइड में लिख लेना, ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। देखो जब भी अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाते हो ना, तो कम से कम एक बार आप लोग ऑप्शन जरूर चेक कर लेना। हम लोग प्रीवियस ईयर मीन्स पहला क्वेश्चन देखे थे तो हम लोग को अल्फा और बीटा दोनों टर्म में हम लोग को ऑप्शन गिवन था, ठीक है। तो हम लोग मैक्स टाइम जो आया तो उसको हम लोग चूज करके तब हम लोग एंगल प्रेडिक्ट किए, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को सिर्फ ए दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बी को क्वेश्चन से हटाने के लिए हम लोग बी को ही कोई एंगल मान लेते हैं, और सबसे इतना तो पता है ना कि हम लोग एंगल क्या मानते हैं, तो या तो 0 डिग्री, ठीक है। तो बी को क्या मान लेते हैं, हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। अगर 0 डिग्री मानते हो, 0 डिग्री अगर लेते हो, तब देखो अगर बी 0 लेते हैं तो यहां देखो ये 0 हो गया, यानी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट हो गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस। और अगर ये बी 0 हो गया तो साइन 0 0 होता और कॉस 0 1 होता है, मीन्स कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, मीन्स ये 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, ठीक है। और ये देखो बी को अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो कॉस, यहाँ देखो ये वैल्यू अगर 0 डिग्री रखते हैं तो कॉस 0 ये 1 हो गया, ठीक है। ये कॉस ए का कॉस ए रहेगा, इस बी को हम लोग 0 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, 2 cos a इंटू कॉस ए, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। कोई टर्म अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर देखो हम लोग क्या किए हैं कि बी को 0 कर दिए, क्योंकि ऑप्शन में बी का कोई टर्म है ही नहीं, तो हम लोग बी को 0 मान लिया, ठीक है। अगर बी को 0 मानते हैं तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये आता है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 cos a इंटू कॉस ए। तो माइनस 2 cos a इंटू कॉस ए को क्या लिखते हैं, 2 cos² a। एक और स्टेप ले लेते हैं, कॉस ए प्लस 1 माइनस 2 cos² a, ठीक है। अब ये देखो कॉस ए माइनस कॉस 2 cos a, तो ये हो गया कितना, हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक 1 पहले से, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो कितना इजीली आंसर निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि 0 ही प्रेडिक्ट करना, आपको जो भी एंगल याद है,
हम लोग इसलिए ऐसा एंगल लेते हैं ना ताकि मेरा कोई टर्म कट जाए, कोई टर्म छोटा हो जाए, इसीलिए हम लोग 0 या 90 डिग्री प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, ये भी मत आप लोग सोचना कि मैं 0 बता रही हूँ तो आप लोग भी 0 लो। आपको जैसे बोलते हैं ना कि या तो आप लोग 0 नहीं तो 90 डिग्री लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साइन 0 0 और साइन 91 होता है और कॉस 0 1 और कॉस 90 0 होता है। तो या तो कहीं भी एंगल प्रेडिक्ट करो तो आप लोग 0 नहीं तो 90 डिग्री प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसका लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसका वैल्यू बताना है आपको कि क्या होगा। ऑप्शन आप लोग साइड में लिख लेना, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा, ये चार ऑप्शन गिवेन है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है या क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नहीं सॉल्व होगा, आगे बढ़ते, ऐसा सोचना भी मत। जितना बड़ा क्वेश्चन, बोला जाता है ना कि क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है तो उसका सॉल्यूशन भी उतना छोटा ही होता है, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, थीटा अल्फा प्लस थीटा, अल्फा थीटा, थीटा प्लस अल्फा, मतलब दो वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स दो एंगल दिख रहा है। और हम लोग को क्या आप लोग को बताया है कि आप लोग को एक एंगल मानना है, ये नहीं कि दोनों एंगल, मतलब अल्फा भी मान लेते हैं और थीटा भी मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना। और याद रखना, देखो यहाँ पे कॉस सिर्फ आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिर्फ कॉस में दे रखा है, क्या दे रखा है, तो कॉस में दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगल को क्या करते हैं ना कि हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 90 जीरो होता है और हमको टर्म को छोटा करना है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर ये क्वेश्चन साइन में गिवन रहे तो आप लोग याद रखना कि एंगल को 0 डिग्री लेना, ठीक है, ताकि मेरा टर्म कट जाए या छोटा हो जाए या उसको हम लोग 0 कर दे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल थीटा इक्वल टू, याद रखना हम लोग थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन जो आप लोग को दिया हुआ है उसमें सिर्फ अल्फा दे रखा है, ठीक है, थीटा का कोई बात ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग थीटा को हटा रहे हैं। और थीटा को हटाने का मतलब क्या है, थीटा हम लोग 90 डिग्री कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस की बात हो रही है और कॉस 90 कितना होता है, तो वो होता है 0। अब देखो अगर कॉस 90 0 डिग्री होता है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो अगर कॉस थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 90 डिग्री मीन्स कॉस 90 क्या होता है, तो वो होता है 0, मीन्स देखो ये टर्म आराम से 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या किया, यहाँ पे अगर करते हैं तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है, मींस अल्फा प्लस 90 डिग्री हो गया। अब इस टर्म में देखते हैं कि यहाँ तो अल्फा दे रखा है, यहाँ पे एक थीटा का टर्म है, तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 जीरो होता है। अगर जीरो का मतलब क्या हो गया, ये जो इतना बड़ा टर्म देख रहा है आपको, ये पूरा, इसका मतलब, कहने का मतलब ये पूरा टर्म ही मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो आपका टर्म बचा के बना क्या, तो वो हो गया 0 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 90 डिग्री और माइनस 0, यही टर्म बचा ना। अब इतना पता है इसका, ये आप बताओ, ये सब तो आप लोग को बता चुके हैं, कॉस अल्फा प्लस 90 या बोल सकते हो कि कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है। तो याद रखना कि ये आपका 90 प्लस हो रहा है, मींस ये 90 डिग्री का क्वाड बन रहा है, तो ये क्या होगा, तो ये 90 प्लस थीटा का क्वाड बन रहा है। और याद रखना कि इसमें मेरा साइन और कॉसेक, यही दोनों मेरा पॉजिटिव होता है, तो याद रखना सेकेंड क्वाड में मेरा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा, मींस यहाँ पे कॉस की बात चल रहा है यानी कॉस वो निगेटिव हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पे 90 हो रहा है, तो क्या बताया थे कि ऑड एंगल जैसे ही आएगा तो आपका वो चेंज हो जाएगा, तो चेंज होके क्या, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन में।
और निगेटिव तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। याद रखना कॉस अल्फा प्लस 90 डिग्री यानी माइनस साइन अल्फा, और स्क्वायर को भूलना नहीं क्योंकि आपका स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आप लोग को एंगल लेना आना चाहिए, ये नहीं कि थीटा अल्फा पुट कर दिए 45 60 और उसका वैल्यू लेके आराम से सॉल्व कर रहे, ऐसा वैल्यू रखो ताकि आप लोग को जीरो, जितना मैक्सिमम जीरो हो, मैक्सिमम छोटा हो जाए आपका टर्म, ठीक है। क्वेश्चन देख के घबराने की बात नहीं, ऑप्शन देख के घबराने की बात नहीं है, थीटा और अल्फा दो दो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में सिर्फ अल्फा की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या, तो आप लोग को थीटा हटाना पड़ेगा, और थीटा यहाँ पे पूरे इक्वेशन में सिर्फ कॉस दिख रहा है, तो कॉस में जीरो और 90 डिग्री, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई वैल्यू लेते हो तो आपको वो वैल्यू दे के सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या किए कि 90 डिग्री थीटा ले लिया। अगर 90 डिग्री अगर हम लोग थीटा ले लेते हैं तो आपको पता है कि कॉस 90 जीरो होता है, अगर वो जीरो हो गया मीन्स मैक्सिमम टर्म मेरा जीरो हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन और शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है। ठीक है देखो कितना इजीली बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देखो ये एक पहला टाइप का था, पहला टाइप कहने का मतलब जब दो एंगल इक्वेशन में दो एंगल गिवन हो तब हम लोग को कैसे प्रेडिक्ट करना है वो तरीका आप लोग को बता दिया, ठीक है। हम 3-4 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, जहां से भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का बना रहे हो, तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करना, फेसबुक पेज पे क्वेश्चन पोस्ट करना, आपको वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलो टाइप 1 का तो बात कर चुके हैं, चलो हम लोग टाइप 2 देख लेते हैं कि टाइप 2 में किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग जो बात करते हैं वो टाइप 2 की बात करते हैं, चलो देखते हैं कि टाइप 2 में किस तरीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इफ टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1+2 टेन स्क्वायर बीटा, ये कंडीशन आप लोग को दिया हुआ है कि यदि टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1+2 टेन स्क्वायर बीटा दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो वो देखो फाइंड करना है कि √2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन साइड में मेंशन कर लेना, ऑप्शन है 0, 1, -1 और 2। क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रही हूँ, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1+2 टेन स्क्वायर बीटा ये गिवन है तो आपको बताना है कि √2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या होगा, ऑप्शन देख लेना 0, 1, -1 और 2, ठीक है। इसमें ना तो अल्फा आपका जो ऑप्शन जो ये गिवन है इसमें ना तो अल्फा का वैल्यू मेंशन है और ना ही बीटा का, कहने का मतलब आप अल्फा और बीटा कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब एक चीज आप लोग गौर करना, आपका जो ये इक्वेशन दिया हुआ है टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1+2 टेन स्क्वायर बीटा, तो देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिन करते हैं, हम लोग वैल्यू को इमेजिन करते हैं, अगर एक वैल्यू इमेजिन करते हैं तो दूसरा वैल्यू सेटिस्फाई करते जाता है। कैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर एक्स प्लस वाई बराबर 5 है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं और वाई का वैल्यू निकालते हैं, और हमारा पॉसिबिलिटी पे केस बन जाता है, अगर ये 1 होगा तो ये 4 होगा, ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 2, यही चीज है ना, पॉसिबिलिटी पे मेरा केस बन जाता है, और पता होना चाहिए कि हमको एग्जैक्ट एक्स और वाई का वैल्यू पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो अब अल्फा नहीं तो बीटा का वैल्यू आप लोग इमेजिन करो, प्रेडिक्ट करो कि हम लोग क्या करें। अगर देखो यहाँ पे आपको पता, अगर यहाँ पे अगर हम लोग बीटा का वैल्यू अगर हम लोग जीरो कर देते हैं तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, टेन जीरो जीरो मीन्स 2 × 0 यानी जीरो, तो 1+0 क्या हो गया, तो 1 हो गया, मीन्स एक बीटा का वैल्यू अगर जीरो कर देते हैं, अगर यहाँ पे बीटा का वैल्यू अगर जीरो कर देते हैं तो टेन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो 1 किसका वैल्यू है 10 में, तो याद रखना 10 45 डिग्री,
टेन 45 डिग्री 1 होता है, अगर स्क्वायर भी कर देते हैं तो भी 1 आता है, मीन्स बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 45। कब? जब हम लोग बीटा का वैल्यू हम लोग 0 रखे तब अल्फा का वैल्यू क्या आया 45 आया। अब ये देखो कि आपको अल्फा का वैल्यू पता है, बीटा का वैल्यू पता है, तो आप लोग ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर इसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं तो ये देखो तो रूट टू ठीक है इंटू कॉस अल्फा मीन्स कॉस 45 डिग्री ठीक है, और माइनस कॉस बीटा है तो कॉस बीटा की जगह क्या है 0 डिग्री मीन्स कॉस 0 डिग्री। तो रूट टू इंटू कॉस 45 क्या होता है तो 1 बाय रूट टू माइनस कॉस 0 1, ये से ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया तो 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना इजीली बन गया, बस आप लोग को एंगल लेना आना चाहिए ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम 0 लिए तो आप भी 0 लो, आप फिर से प्रेडिक्ट करो। देखो हो सकता है ना कि दो केस और केस बन सकता है, हम लोग क्या करते हैं ना कि बीटा की जगह 45 रख लेते हैं। अगर बीटा की जगह 45 रखते हैं तो याद रखना 1 प्लस 2 इंटू बीटा 45 है यानी टेन 45 यानी 1 स्क्वायर यानी 1 2 इंटू 1 2 ठीक है, और 1 प्लस 2 यानी 3, तो बोल सकते हो कि टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 3 हो गया, यानी टेन अल्फा बराबर रूट 3 हो गया, यानी अल्फा बराबर 60 डिग्री। अब देखो कि बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू पता है, तो ये दोनों वैल्यू रख के आप लोग यहां से नहीं निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये देखो रूट टू इंटू कॉस अल्फा है यानी कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है तो 1 बाई 2 होता है ठीक है, माइनस कॉस बीटा, और बीटा की जगह 45 डिग्री है यानी कॉस 45 डिग्री यानी 1 बाय रूट टू। अब ये देखो रूट टू से ये कट गया तो 1 बाय रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू क्या आया 0 आया। ऐसा नहीं है कि हम 0 बता रहे हैं तो आप भी 0 लो, हम 45 बता रहे हैं तो आप भी 45 लो, आपको जैसा एंगल प्रेडिक्ट करना है लेकिन इस तरीके से प्रेडिक्ट करो ताकि मेरा शॉर्टकट में बन जाए। ये नहीं कि कोई एंगल मान के उसका वैल्यू हम लोग निकालते जा रहे हैं ठीक है। टाइप टू इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपको यहाँ पे एंगल प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, अगर एक प्रेडिक्ट करते हो तो दूसरा खुद सेटिस्फाई होके निकल जाएगा ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 0 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, टाइप टू का क्वेश्चन नंबर, टाइप टू का क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन है कि इफ cos x इक्वल टू 2 cos y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos y ठीक है। ये आप लोगों को कंडीशन दिया हुआ है कि यदि cos x इक्वल टू 2 cos y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos y दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि tan x बाय 2 इंटू cot y बाय 2 क्या होगा ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। आप लोग साइड में ऑप्शन लिख लेना 0 रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और 1, ये चार ऑप्शन आप लोग को गिवेन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि cos x इक्वल टू 2 cos y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos y, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है तो आपको बताना है कि cos tan, आपको बताना है कि tan x by 2 into cot y by 2 क्या हो। देखो आप लोग वैल्यू इस तरीके से आप लोग को लेना है कि मेरा, आप लोग को देखो गलती नहीं करना है, कोई ऐसा वैल्यू मत ले लेना ताकि मेरा इनफाइनाइट में आंसर चला जाए ठीक है। तो याद रखना कि वैल्यू आप लोग को 0, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इस तरीके से लेना है कि वो वैल्यू इनफाइनाइट में नहीं जाए। याद रखना कि tan, cot, cosec से ये समय वैल्यू मेरा इनफाइनाइट भी होता है ठीक है, तो आप लोग को वो चीज नहीं लेना है। याद रखना यहाँ पे कॉट 0 डिग्री भी इनफाइनाइट होता है और टेन 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि वाई को 60 डिग्री ले लेते हैं, अगर वाई बराबर अगर 60 डिग्री लेते हैं ठीक है, ये देखना अगर वाई 60 डिग्री लेते हैं तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री, साइन 60 रूट बाय रूट 3 बाय 2 और कॉस 60 1 बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस वाई यानी कॉस 60 यानी 1 बाय 2। ये से ये कट गया, ये से कट गया 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 0 हो गया, यानी x का वैल्यू क्या बता सकते हो आप लोग 90 डिग्री
ठीक है, याद रखना जब हम लोग वाई का वैल्यू 60 डिग्री लिए हैं तो एक्स का वैल्यू 90 डिग्री हुआ है। याद रखना कि जो हम लोग आप लोग को टाइप टू बता रहे हैं तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन गिवेन है, दो इक्वेशन नहीं गिवेन है कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल और हम लोग एक्स वाई का वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक दिया हुआ है तो आप लोग को वैल्यू को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें कि वाई का वैल्यू 60 डिग्री ले लिए, अगर 60 डिग्री लेते हैं तो एक्स का वैल्यू 90 डिग्री आ जाता है। अब देखो आपको y का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, तो आप लोग यहाँ पे पुट करो, तो अगर पुट करते हैं तो ये हो गया tan 90/2 यानी 45 डिग्री इंटू cot y बाई टू यानी 60/2 यानी 30 डिग्री, ये cot है। ठीक है, तो tan 45 वन और cot 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 और cot 30 डिग्री यानी √3, 1 × √3 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √3, मींस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आज का लेक्चर नंबर 9 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बराबर 3 इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, देन फाइंड टेन थीटा प्लस अल्फा और प्लस 2 टेन अल्फा। ठीक है, ऑप्शन आप लोग साइड में नोट कर लेना, 0, -1, 2 और 1, ये चार ऑप्शन आप लोग को गिवन है। क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो आप लोग को फाइंड करना है कि टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना टेन में हम लोग को 90 डिग्री नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 0 डिग्री से काउंट करते हैं, सबसे आसान होता है 0 लेना, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि tan 0 0 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं तो हम लोग पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अल्फा का वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो क्या करते हैं कि साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू पता है कि साइन 0 0 होता है, तो हम लोग ये देखो तो ये जो वैल्यू मेरा 0 हो गया, अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो राइट की तरफ देखो तो क्या पूछ रहा है कि 3 साइन थीटा की जगह क्या है 0 और प्लस 2 अल्फा इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आई आपका 3 साइन 2 अल्फा इक्वल टू 0, मींस साइन 2 अल्फा का वैल्यू 0, मींस अल्फा का वैल्यू बता सकते हैं कि 0 डिग्री आएगा। थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री लिए तो मेरा अल्फा का वैल्यू भी 0 डिग्री आया। अगर ये दोनों वैल्यू अगर हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये देखो थीटा का वैल्यू भी 0 है, अल्फा का वैल्यू भी 0 है, यहाँ भी अल्फा का वैल्यू 0 है, तो टेन 0 प्लस 0 यानी 0, यानी टेन 0 क्या होता है तो टेन 0 0 होता है, और प्लस यहाँ देखो अल्फा का वैल्यू 0 है तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 प्लस 0 मींस 0 यानी ऑप्शन नंबर ए। कितना इजीली बन गया, देखो ट्रिगोनोमेट्री को देखो आगे अभी बहुत ज्यादा लेक्चर जाने वाला है तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, अभी वैसे भी हम लोग का बेसिक आइडेंटिटी आगे भी चलेगा। ठीक है, तो बोर ना हो इसीलिए कुछ ये आप लोग को क्वेश्चन बता दिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर ले। देखो ये सब क्वेश्चन है ना विद इन सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है, बस आप लोग को एंगल लेना आना चाहिए। ठीक है, बहुत कोई ऐसे भी होते हैं ना जिनको एंगल लेना नहीं आता, बस वो लोग क्या करते हैं ना 60 जिसका वैल्यू जिसको जैसे याद रहता है तो वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को एंगल लेने का तरीका पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल लेंगे ताकि मेरा मैक्सिमम टर्म कट जाए, मैक्सिमम टर्म छोटा हो जाए, मैक्सिमम मतलब उस बड़े से जो भी इक्वेशन आप लोग को गिवन है तो उसको कैसे हम लोग को छोटा करना है। ठीक है, तो याद रखना ट्रिगोनोमेट्री का जो भी आज का जो ये पढ़ा है तो आप लोग को मैक्सिमम टर्म को 0 आना चाहिए, 0 करने के लिए कौन सा एंगल लेना चाहिए वो बताया है। ठीक है, तो आप लोग टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल लेने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो भी बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। जो भी क्वेश्चन
आप लोग को बताते हैं, तो पहले क्या करना है ना, कि ये नहीं कि सॉल्यूशन देख के सीखने की कोशिश करना, पहले खुद से, ये नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं हो, इतना तो पता है ना कि आप लोग ये सब चीज हर कुछ आप लोग को भी पता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप लोग क्या करना है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तो आप लोग उसी टाइम वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से बनाओ, खुद से एंगल लो कि आप कैसे ले रहे हो और मैं कैसे बता रही हूँ, ठीक है। देखो किसका तरीका ज्यादा अच्छा है, जो तरीका आप लोग को सही लगता है उसी तरीके से आप लोग कोशिश करना, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं कि आज कौन कौन सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आज का जो लेक्चर था तो वो था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं या किस तरीके से एंगल लेते हैं। अगर इक्वेशन में अगर दो एंगल दिया हुआ है, ऑप्शन भी आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग कोशिश करना कि जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम टाइम जो आया हुआ है तो उसको हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है, ताकि मेरा टर्म कट जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोग को आज का कुछ क्वेश्चन बताया है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को लिखो, खुद से पहले बनाओ। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आप लोग के पास और मैक्सिमम क्वेश्चन है तो आप लोग एफबी पे पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए कुछ कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।